डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जयंती का 135वां जयंती समारोह आज मोतिहारी के टाउन हॉल में मनाया जा रहा है। राष्ट्र हम बातचीत करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी से। अच्छा, अगर आशुतोष कुमार को मौका मिलता है तो बेरोजगारी और महंगाई कैसे दूर कर पाएंगे? इसके लिए रोड मैप हमारे पास है और हम लोग इसीलिए 3700 गाँव में घूमे हैं। हम लोग हेलीकॉप्टर से घूम के रोड मैप नहीं बनाए हैं। जैसे आपके यहाँ मोतिहारी आए हैं तो हमने यहाँ देखा कि किन किन क्षेत्रों में चीनी मिल था, कहाँ कहाँ कौन कौन सा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है, कहाँ क्या कौन से रोजगार का सृजन किया जा सकता है, उसका तरीका क्या हो सकता है, और भी यहाँ पर इंडस्ट्रियल हब आईटी हब इसको कैसे बनाया जा सकता है। इन सबसे पहले बिहार में अपराधियों पर लगाम कैसे लगे, क्योंकि बाहरी जो इन्वेस्टर आएंगे वो सरकार को टैक्स देंगे, वो गुंडा टैक्स नहीं देंगे, वो रंगदारी टैक्स नहीं देंगे। तो पहले अपराधियों पर लगाम लगे तब बाहरी इन्वेस्टर आप पर भरोसा करेंगे। तो ऐसे कई सारी बिंदुएं हैं जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं और विधिवत तरीके से हम लोग रोड मैप बनाए हैं। आप हमारा घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। जयंती पर कार्यक्रम है, क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? बिहार के युवाओं को खास करके, वैसे तो उनका संदेश पूरे दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में फैलना चाहिए, लेकिन हम चूँकि बिहार से हैं और आज बिहार की सबसे खराब स्थिति है, उस बिहार की स्थिति खराब है जिस बिहार को श्री बाबू ने सबसे विकसित राज्य बनाया था, स्वर्णिम काल था बिहार का, और आज सबसे बुरे दौर से बिहार गुजर रहा है। तो हम ये अपील करेंगे बिहार के युवाओं से कि बिहार केसरी के जीवन को आप सबसे पहले पढ़ें, केवल नेताओं के द्वारा भाषण किए दिए देने से उनकी बातों पर अमल न करें, पहले बिहार केसरी श्री बाबू को पढ़ें, उनके जीवन को समझें और उनके दिखाए रास्ते पर चलने का प्रयास करें। एक कदम चल सकते हैं, दो कदम चल सकते हैं, लेकिन चलें और आने वाली पीढ़ियों को भी बताएं कि हम बेहतर बिहार की यदि कल्पना कर रहे हैं तो बगैर श्री बाबू के सिद्धांतों पर चले, बिना उनके दिखाए रास्तों पर चले, हम बेहतर बिहार की कल्पना नहीं कर सकते। आगामी लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल पार्टी की क्या एजेंडा रहेगा? हम लोग अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और एजेंडा हमारा होगा कि देश में, चूँकि लोकसभा देश स्तर का चुनाव होता है, देश को जो देश की जो मूलभूत समस्याएं हैं, समस्या क्या है, आज देश में 60% युवा लोग हैं और बेरोजगारों की संख्या कितनी है, मतलब रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है। उसके अलावा आप मूल उद्देश्यों से भटका रहे हैं, महंगाई पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जब विपक्ष में होते हैं तो गैस सिलेंडर लेकर और पेट्रोल पंप उठाकर आप सड़क पर बैठ जाते हैं, प्याज का माला पहन लेते हैं, और जब सत्ता से बाहर होते हैं तो इन चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए आप पाकिस्तान की बात करते हैं, आप चीन की बात करते हैं, आप हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, आप ज्ञानवापी की बात करने लग जाते हैं। तो भैया, ज्ञानवापी से पेट नहीं भरेगा, रोजगार चाहिए, महंगाई से त्राहिमाम है जनता, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो हमारा मूल मुद्दा यही होगा कि जनता से सीधा जो जुड़ाव जिन चीज़ों का है, हम लोग उन्हीं एजेंडों को अपना मूल एजेंडा रखें।